इंडिया मिसेज इंडिया चुनना, और खास करके ऐसी ऐसे समय पे जब महिलाएं जब शादीशुदा हो जाती है तो चार दीवारों में बंद हो जाती है, वो निकलना पसंद नहीं करती, और फिर भी इतनी भारी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा ये सब? प्लेटफॉर्म ही उनके लिए था, अगर आप देखोगे कि मिसेस के लिए ही, ये खुद ही एक ब्रांड है, बहुत अच्छा था, उन्होंने ग्रूमिंग अच्छी थी, उन्होंने ट्रेन बहुत अच्छा किया है सारे फाइनलिस्ट के लिए, तो हम लोग वी आर वेरी ऑनर्ड कि हम लोग ये शो का पार्ट हुए, एंड जजिंग बहुत ही मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज सब लोग कॉन्फिडेंट थे, डिज़ाइनर कपड़े सबको दिए थे गाउन्स एंड बोथ ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न गाउन्स, वेरी डिफिकल्ट लाइट लाइट बट कॉन्फिडेंट थे सर, ये बस यही रखो यही रखो, और उनकी टीम की ये सब सारी मेहनत है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट। थैंक यू सो मच हरमीत सर। आइए ओवरऑल पूरे इवेंट के बारे में और मिसेज इंडिया चुना गया आज यहाँ पे, कितनी खुशी हो रही है, और ऐसे ऐसे समय पे जब महिलाएं जब शादीशुदा महिलाएं घर से निकलना पसंद नहीं करती, उसमें भारी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और उनको चुनना कितना कठिन था? जी आरती जी, सर जैसे आप जानते हैं मैं हमेशा से ब्यूटी पेजेंट में रहा हूँ, पिछले 7 सालों से मिस नवी मुंबई और मिस मुंबई जैसे शोज़ किए हैं, ये मैरिड वुमन के साथ भी एक नया एक्सपीरियंस था उनके साथ, जब इनको ऑडिशंस किया हम लोगों ने और इनके साथ ट्रेनिंग की तो काफ़ी अच्छा लगा, और ये शो भी हम लोग जैसे मिस नवी मुंबई शो चलाते आए हैं ये भी सालों साल चलाते रहेंगे, और मैं सबको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा इसके लिए। सर आप उधर ही खड़े एक